अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा TSS। मैं हूँ सिकलैन जमल और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। नाज़रीन, सर्दी बहुत बढ़ रही है एंड यू कैन सी के मैं कैप पहन के चादर लेके हीटर लगा के बैठा हूँ, बट स्टिल आई एम अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। विद दैट बीइंग सेड, इट शुड नॉट फ्रीज योर लर्निंग जर्नी। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इट कि आपके लिए डेली वीडियोस आती रहें और आप साथ साथ पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और दूसरों के लिए दुआएं भी करते रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2020 के MCQs के बारे में। इससे पहले हम 2019 के सारे MCQs कवर कर चुके हैं। उसका भी लिंक भी आपको इस साइट पे ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। एंड अदर देन दैट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2021, 2022 एंड 2023 MCQs ऑल इन डिटेल। तो उन सारों का लिंक जो है आपको ऊपर आई के बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। एंड आई होप कि यू विल वॉच देम, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है और वो आपके FPSC की जो न्यू पॉलिसी है उससे रिलेटेड बहुत अहम MCQs है। और ये भी MCQs जो है ये मैं फिल्टर आउट करके लेके आता हूँ कि जो अनइम्पॉर्टेंट है या ऑब्सोलीट है उनको मैं निकाल देता हूँ, और जो मेरे हिसाब से आ सकते हैं या एग्जामिनर के माइंड के मुताबिक होते हैं मैं उनको सिर्फ इन वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता हूँ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड यू स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी काफ़ी सारे लर्निंग के मौके मिलेंगे। एंड आई होप कि यू विल रियली एंजॉय द जर्नी विद अस। विद दैट बीइंग सेड, लेट अस जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग द पाकिस्तान करंट अफेयर्स MCQs फ्रॉम 2020 जनवरी। जी, तो हमारे पास आ गए हैं जनवरी 2020 के MCQs। लेट अस स्टार्ट। विच होली श्राइन रिसेंटली अनसील्ड आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ क्लोजर इन सिंध ऑन January 25, 2020। तो डेट बेशक आप याद ना इसकी रखें, ये याद रखें कि ये एक तो सिंध में वाक़ है जी, और ये 36 साल जो है ये श्राइन बंद रहा है, उसके बाद इसको खोला गया है। करेक्ट आंसर इज लोहारी शरीफ श्राइन। वेन पाकिस्तान लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, पाकिस्तान की पहली EV जो है वो कब लॉन्च की गई थी? 24 जनवरी 2020 को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वाज आर डैश। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो पहले क्या थे? ही वाज एक्चुअली अ रिटायर्ड सिविल ब्यूरोक्रेट। ऑन January 25, 2020, अ 286 फुट टॉल पब्लिक आर्ट म्यूरल नेम्ड डैश वाज अनवील्ड एट सेंटर पॉइंट इन कराची। तो ये एक बड़ा फेमस म्यूरल है जी, जो कि 2020 में अनवेल हुआ था, और इसकी हाइट भी याद रखनी है आपने कि 286 फुट ये ऊंचा म्यूरल है। म्यूरल बेसिकली एक ऐसी पेंटिंग को कहते हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज की होती है। यूजुअली ये दीवारों पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर बनाई जाती हैं एज अ पीस ऑफ आर्ट और लोगों के लिए अट्रैक्शन का सबब बनती है। सो ये एक तो कराची में जी अनवेल किया गया था एंड इट्स नेम इज राइजिंग ब्लू। नेक्स्ट वी हैव नेशनल असेंबली पासिस आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 1952 ऑन डैश। तो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 1952 के जो आर्मी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कब की गई थी? 7 जनवरी 2020 को। अकॉर्डिंग टू 2020 अमेंडमेंट, आर्मी चीफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ अप टू डैश ईयर्स। तो 3 साल तक के लिए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को रीअपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। और ये 2020 में अमेंडमेंट लाई गई थी, और आपको पता है 2020 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने फिर एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को, एंड देन यू सॉ ऑल द ड्रामा दैट अनफोल्डेड आफ्टर दैट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पास पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट बिल 2020, द रीअपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ डैश तो कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड वट सो एवर। तो इतनी ज़्यादा इम्प्यूनिटी दी गई थी या फिर इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इसमें रखा गया कि भाई अगर आर्मी चीफ को आपने रीअपॉइंट कर दिया है तो उसको किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह की ग्राउंड पर कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनरल नदीम रजा इज़ द डैश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC कहते हैं, और पाकिस्तान तो ये जनाब 17th चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं। विच ड्रामा इज बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी पे जो ड्रामा बना है उसका नाम है जी गुल मकई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर दैट टुक हैट्रिक इन बिग बैश लीग 2020। 2020 में हैट्रिक लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो हैं हारिस रऊफ, और इसके बाद ही इनको फेम मिलना शुरू हुआ। एंड देन
लाहौर कलंदर ऑल्सो इन्वेस्टेड अ लॉट इन हारिस रऊफ। मे बी ये 2020 या 19 की बात है जब पहली दफ़ा हारिस रऊफ जो है वो हाई फ्लाइंग बॉलर के तौर पे सामने आए थे। खैर 150 से ऊपर कराने वाले मशहूर हैं ये। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पासिस जैनब अलर्ट बिल फॉर रिकवरी ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन ऑन डैश। 10 जनवरी 2020 को जैनब अलर्ट बिल जो है वो पास किया गया फॉर द रिकवरी ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है जी, एक तो उसका मकसद है और दूसरा उसकी डेट भी याद रखनी है क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जो कसूर वाले वाकयात हो रहे थे बच्चों के साथ ज्यादती वाले उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं। डैश बैंक हैज बीन अवार्डेड द लाइसेंस टू बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक टू ऑफिशियल फाइनेंशियल सर्विसेज टू क्लाइंट्स इन बीजिंग चाइना। तो पाकिस्तान का पहला बैंक जिसको लाइसेंस मिला सर्विसेज देने के लिए इन बीजिंग चाइना। बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है। तो इट्स नेम इज हबीब बैंक लिमिटेड, HBL के नाम से आप इसको जानते हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जो हैज अचीव येट अनदर रिमार्केबल माइलस्टोन बाय रोलिंग आउट द फर्स्ट बैच ऑफ डैश JF-17 एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने जनाब 2020 में 8 डुअल सीट जो है JF-17 एयरक्राफ्ट बनाए। सो दिस वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। सो दिस वर ऑल द पाकिस्तान अफेयर्स MCQs। अब आते हैं जी हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स MCQs पे। फेमस मोनिका लुइंसकी डेवलप्ड इंटीमेट रिलेशनशिप विद US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वाज बोर्न इन डैश। तो बिल क्लिंटन के साथ जो है ये मोनिका लुइंसकी स्कैंडल रहा है एंड शी वाज एन इंटर्न एट द व्हाइट हाउस। और उनके साथ क्लिंटन साहब का एक रोमांटिक अफेयर रहा ऑलमोस्ट 2 साल या 3 साल। और लिंक क्लिंटन साहब बेसिकली इस चीज़ को डिनाई करते रहे ऑफिशियली ऑफिशियली, बट बाद में जो है ये अनफोल्ड होके काफ़ी सामने भी आ गया और काफ़ी सारे गवाह भी आना शुरू हो गए। एंड आई ऑल्सो सॉ टेड टॉक बाय मोनिका लुइंसकी एंड उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बड़ा यू नो वी ऑल लाइक टू सी ड्रामा एंड वी ऑल लाइक स्पाइस। सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि भाई चक्कर क्या था। मैं इसके बारे में काफ़ी क्यूरियस था क्योंकि क्लिंटन साहब के बारे में मशहूर था कि ही हैड अफेयर्स वाइल इन ऑफिस। तो ये एक उनमें से अफेयर था। खैर शी वॉज बॉर्न इन कैलिफोर्निया। बेलफास्ट एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो बेलफास्ट एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है जी? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। अंडर द एग्रीमेंट द ब्रिटिश एंड आयरिश गवर्नमेंट्स कमिटेड टू ऑर्गेनाइजिंग रेफरेंडम्स ऑन 22 मई 1998 इन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड इन द रिपब्लिक रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो रिपब्लिक यानी कि आयरिश रिपब्लिक और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों में उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई हम एक यू नो रेफरेंडम करवाएंगे। सॉरी, ठीक है जी। सो बेलफास्ट एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है जी? गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्विन इंजन जेट इज डैश। तो सबसे बड़ा ट्विन इंजन जेट जो है दुनिया का उसका नाम है जी Boeing 777X। The Arctic Council is a high-level intergovernmental forum that addresses issues faced by the Arctic governments was established in Dash. तो एक तो ये है कि आर्कटिक काउंसिल का नाम आपने याद रखना है। उसका पर्पज़ क्या है जी? कि आर्कटिक गवर्नमेंट्स को जो इश्यूज आते हैं उनके लिए हाई लेवल इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फॉरम है। तो ये कब बना था जी? आर्कटिक फोरम या आर्कटिक काउंसिल, सॉरी, 1996 में। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। तो जो हेडक्वार्टर हैं WEF के वो कॉलोनी में है, कलोगनी या कॉलोनी जैसे आप मर्जी उसको पढ़ना चाहें। और इसकी जो एनुअल मीटिंग है वो डेवोस में होती है। आई नो कि यू आर थिंकिंग कि सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हेडक्वार्टर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वो कॉलोगनी या कॉलोनी में है और जो उनकी एनुअल मीटिंग है वो डेवोस में होती है। आगे आते हैं जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो January 1971 में जनाब WEF जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जनाब 1993 में बनाया गया था और यही वो फॉरम है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो लॉन्च करता है, जिसको आप CPI भी कहते हैं। और ये नॉर्मली करप्शन वगैरह चेक करते हैं, करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से रिपोर्टिंग होती है और कंट्रीज को रैंक करते हैं। विच नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA प्लेयर किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश एट द एज ऑफ 41 इन कैलाबसस कैलिफोर्निया ऑन 26 जनवरी 2020।
तो एक तो ये है कि आप सिंपली उसके मरने की वजह याद रख लें कि जी हेलीकॉप्टर क्रैश था, और कहाँ पे ये क्रैश हुआ जी, कैलिफोर्निया में। कोबी ब्रायंट जो है ही वॉज अ एनबीए प्लेयर हु डाइड आफ्टर दी हेलीकॉप्टर क्रैश। आइडेंटिटी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिजेंटमेंट बुक वॉज रिटन बाय डैश। तो आइडेंटिटी, डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिजेंटमेंट, ये फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है। ये वही आदमी है जिसने लिखी थी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो कि लिबरलिज्म की फतह के बारे में था। वर्ल्ड ओल्डेस्ट मशरूम वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन डैश। तो दुनिया की सबसे पुरानी जो मशरूम है वो रिसेंट यानी कि 2020 में डिस्कवर की गई कि वो जी कॉन्गो में मौजूद है। विच कंट्री हैज इलेक्टेड कैटरीना स्केलारोपोलू एज इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट। तो ग्रीस इज द कंट्री के जिन्होंने कैटरीना स्केलारोपोलू को अपनी पहली खातून प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। नाम याद करते रहें ताकि ये मुश्किल मुश्किल नाम से भी आपको याद रह जाता है अक्सर। फॉर एग्जांपल ग्रीस की जी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है, ठीक है? तो अगर तो वो सिंपल सिंपल से नाम आ रहे हैं तो उनमें से जाके तीसरे चौथे नंबर पे आपको याद आता है कि यार ये बड़ा मुश्किल नाम लग रहा है। और सर क्लेन की वीडियो में मैंने देखा था कि उनका जो है ना जुबान जो है वो ट्विस्ट होना शुरू हो गई थी इसका नाम पढ़ते हुए। सो डेफिनेटली दिस इज द सेम। तो नाम जो है वो याद करने की कोशिश किया करें, या फिर उसके अंदर से कोई छोटा सा हिंट रख लें, या कोई भी चीज़ उसके साथ मतलब एसोसिएट करके। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू मेक एथनिक यूनिटी मैंडेटरी। तो टिबेट ने जनाब पास किया है लॉ जिसके अकॉर्डिंगली एथनिक यूनिटी जो है वो मैंडेटरी होगी। वट इज द नेम ऑफ ईरान्स ओनली वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट हु रिसेंटली अनाउंस टू लीव द कंट्री। तो कीमिया अलीजादे जो है शी इज द ओनली ओलंपियन मेडलिस्ट वुमेन फ्रॉम ईरान जिन्होंने 2020 में डिसाइड किया था कि जी वो ईरान को छोड़ रही है। कीमिया अलीजादे इज द फर्स्ट ईरानियन वुमेन टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट अ समर ओलंपिक्स इन डैश। तो 2016 में इन्होंने जनाब एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था एट समर ओलंपिक्स इन 2016, और इन्होंने फिर 2020 में डिसाइड किया कि ये ईरान को छोड़ रही है। अबाउट हाउ मैनी ईयर्स सुल्तान कबूस रूल्ड इन ओमान। तो ऑलमोस्ट 50 साल तक सुल्तान कबूस ने जनाब ओमान में रूल किया या राज किया। लास्ट पेज पे आते हैं जी। विच कंट्री लॉन्चेस जाइगेंटिक टेलीस्कोप स्काई आई फॉर हंट ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। तो स्काई आई जनाब चाइना ने लॉन्च किया था फॉर द हंट ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ, जिंदगी की तलाश बियॉन्ड अर्थ। विच कंट्री हैज़ डिवेलप्ड अ लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम। तो जनाब इसराइल ने लेज़र बेस्ड डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था 2020 में। कोलंबो डेक्लरेशन इज रिलेटेड टू डैश। तो कोलंबो डेक्लरेशन जो है वो एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से है। वर्ल्ड ब्रेली डे या ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो 4 जनवरी को ये बड़ा ही मशहूर एमसीक्यू है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये अक्सर पेपरों में आ जाता होता है, ठीक है? तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन January 4। और ब्रेल होता क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मुझे पता है मैंने पहले पढ़ा भी हुआ है, बट यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स सो दैट आई नो कि आपको भी आता है कि नहीं, और फिर दूसरे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी इससे। कासिम सुलेमानी हु वॉज किल्ड इन US एयर स्ट्राइक वॉज द इरानियन मिलिट्री कमांडर। ही बिगैन हिज मिलिट्री करियर एट द स्टार्ट ऑफ ईरान इराक वॉर ड्यूरिंग द डैश। 1980s में, आई थिंक 1981 में स्टार्ट हुई थी या 2 में, जो ईरान इराक वॉर स्टार्ट हुई थी उसके अंदर कासिम सुलेमानी साहब ने अपना मिलिट्री करियर जो है स्टार्ट किया था, और उनको 2020 में एक US एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया गया था। यूक्रेनियन बोइंग 737-800 क्रैश्ड इन विच नेशन ऑन January 8, 2020 किलिंग ऑल ऑन बोर्ड पैसेंजर्स। तो ईरान में जनाब ये प्लेन क्रैश किया था यूक्रेन का, एक तो ये यूक्रेन का था और मॉडल उसका है जी बोइंग 737-800, ठीक है जी? और इसकी वजह आई थिंक यही बताई गई थी कि ईरान मिस्टुक द प्लेन, और उन्होंने समझा कि या ये शायद किसी और कंट्री का है समवट। तो इस तरह काफ़ी हंगामा हुआ था 2020 में, मुझे याद पड़ता है। इन सम ऑफ द इन सम स्टेट्स ऑफ विच कंट्री क्रिमिनल
Crown Act has been passed to protect people of color from being discriminated against from their for their natural hair. तो यूएसए में आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उधर ही रेसिज्म बहुत ज्यादा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह थोड़ी सी होती है, तो उधर ही क्राउन एक्ट पास किया गया था विद द पर्पस टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ कलर फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर देयर नेचुरल हेयर। ठीक है जी, तो क्राउन से आप ये याद रख लें कि क्राउन भी आप सर पे पहनते हैं, सर पे ही बाल होते हैं, तो बालों के लिहाज से किसी के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये वाला एक्ट उसके लिहाज से है। विच एनिमल स्पीशीज हैज बीन मोस्ट एडवर्सली इम्पेक्टेड बाई ऑस्ट्रेलियाज वाइल्ड फायर। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वाइल्ड फायर हुई थी आपको पता है 2020, आई थिंक 21 में भी बाद में हुई थी, इट इज़ नॉट श्योर, लेकिन 2020 में जो हुई थी तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल इमेजेस भी देखने को मिले थे। कोआलास जो हैं देवर बर्निंग एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ क्राई फॉर हेल्प एज वेल फॉर द एनिमल एंड प्लांट लाइफ। सो वी शुड ऑलवेज केयर फॉर आर एनवायरमेंट डेफिनेटली। तो कोआला जो है ये स्पीशी है जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। स्पीशीज एक्चुअली सिंगुलर है, स्पीशी प्लूरल होता है। विच टॉप कमांडर ऑफ ईरान कुड्स फोर्स वाज किल्ड इन अ यूएस स्ट्राइक ऑन बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसको कहाँ मारा गया था जी, कासिम सुलेमानी को, बगदाद के एयरपोर्ट में। बगदाद कहाँ पे है जी, वो इराक में है, तो बगदाद एयरपोर्ट पे उसको एक यूएस स्ट्राइक करके मारा गया था। और लास्ट एमसीक्यू फॉर द टुडे, एज न्यू डे इंटरनेशनल टी डे विल बी एनुअली ऑब्जर्व ऑन डैश। तो ये मेरा फेवरेट डे शायद हो सकता है साल का, और भी फेवरेट डे हैं, बट दिस इज जस्ट टू शो माई लाइकिंग फॉर टी, कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ एंड आई लव इट। सो 21 मई को इंटरनेशनल टी डे जो है अब से हर साल मनाया जाएगा। सो खुश हो जाए, 2020 में इंटरनेशनल टी डे अनाउंस किया गया था ऑन 21 मई। सो दीज आर ऑल द एमसीक्यूज फ्रॉम जनवरी 2020 फॉर द वन पेपर एग्जाम्स। आई होप के यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज एमसीक्यूज। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, होपिंग दैट दे विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल एंड विद मी, एंड आई ट्राई टू डिलीवर मैक्सिमम लेक्चर्स एंड मोर लेक्चर्स एज मच एज इन माई कैपेसिटी। आपके लिए ये है कि आप इधर कमेंट्स जरूर करते रहा करें ताकि मुझे हौसला हो कि लोग देख रहे हैं और उन तक मेरा कंटेंट पहुंच रहा है। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।